Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello friends, assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में बहुत सारे दोस्त जो सवाल पूछते हैं जॉब्स के हवाले से यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, डिफरेंट कंट्रीज में जॉब्स के हवाले से मुझसे पूछते हैं कि किस टाइप की जॉब्स जो है वो इजीली मिल जाती हैं यूरोप में, खास करके अभी आजकल यूरोप के बारे में बहुत ज़्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि किस टाइप की जॉब्स हैं जो ईजीली यूरोप में मिलती हैं। तो यूरोप में ईजीली जो जॉब्स मिलती हैं वो लेबर क्लास जॉब्स होती हैं, ठीक है। लेबर क्लास जॉब्स आपको इजीली मिल जाती हैं। उसके अलावा जो अच्छी जॉब्स में अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल जॉब्स जो है वो जो टेक्निकल लोग हैं उनको इजीली जॉब मिलती है, और टेक्निकल जॉब्स इजीली मिलती हैं चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि टेक्निकल लोगों की जो है वो हर कंट्री में रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे उनकी फील्ड कोई भी हो, चाहे कोई इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे कोई कारपेंटर हो, चाहे कोई ऑटोमेटिक मैकेनिक हो, जैसे गाड़ियों के मैकेनिक होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है इनकी रिक्वायरमेंट होती है। मेंटेनेंस का काम हर कंट्री में चल रहा होता है, हर कंट्री में इलेक्ट्रिशियंस की ज़रूरत होती है, स्किल्ड होना चाहिए बंदे को। अगर आप स्किल्ड हैं, आपके पास कोई भी स्किल है किसी भी फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड हो, चाहे वो मैकेनिकल फील्ड हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है टेक्निकल, अगर आप टेक्नीशियन हैं, अगर आप रिपेयर करना जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को या किसी भी चीज़ को, तो आपके पास जो है वो स्किल है, आप स्किलफुल पर्सन हो और आपके लिए जो है ना जॉब हासिल करना मुश्किल नहीं है। इवन अगर आप कोई टेलर हो, कपड़े भी सिलते हैं हर कंट्री में, अगर आप एक्सपर्ट हो वेस्टर्न ड्रेसेस बनाने में, तो भी आपके लिए ईजी है जॉब हासिल करना। जो फार्मर्स हैं, फार्मिंग से रिलेटेड जो लोग हैं, वो भी वहाँ पे इजीली जॉब हासिल कर सकते हैं जिनको आइडिया है फार्मिंग का अच्छे से, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है तो आप अप्लाई करो, आप विजिट वीज़ा लेके जाओ वहाँ पे, वहाँ जाओ और जॉब सर्च करो, मिल जाती है। देखो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि एंट्री करना मुश्किल होता है, वहाँ पे जाके सेटल होना मुश्किल नहीं होगा। सबसे मुश्किल काम होता है एंट्री करना, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में एंट्री करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप एंट्री कर लेते हो और वहाँ पहुँच जाते हो तो वहाँ पे आपको जो है रास्ते मिल जाते हैं। इवन अगर आप पुर्तगाल जाते हो तो वहाँ पे सेटअप बन जाएगा आपका, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा पैसा लगता है आपका, ठीक है। तो मेरे रेफरेंसेज वहाँ पे मौजूद हैं जो आपको TRC वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे, उसके अलावा वर्क परमिट्स और जो भी वहाँ का प्रोसेस होता है कार्ड वगैरह का, वो आपको मिल जाता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम है एंट्री करना, ठीक है, क्योंकि लीगली आप जब एंटर होते हो तो उसके बाद ही आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इलीगल तो मैं किसी को भी प्रमोट नहीं करता हूँ, किसी को भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप इलीगल तरीके से जाओ, डंकी मार के जाओ, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, उससे अवॉइड करो। आप लीगली जो है वो आप अपना सारा प्रोसेस रेडी करो और उसके बाद जो है वो आप अप्लाई करके फिर आप जाओ, तो उस कंडीशन में आपके लिए चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे सेट होने के। तो इतना मुश्किल नहीं है, आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी पूरी करो, पूरी करने के बाद आप अप्लाई कर दो, अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो भी आपको अप्रूवल जो रेट होता है वो किस बेस पे होता है, डॉक्यूमेंट्स की बेस पे होता है। आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, आपको केस प्रॉपरली बना होना चाहिए, तो उस बेस पे आपको वीज़ा मिल जाता है। तो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे से कांटेक्ट करते हो, उसके थ्रू आप अपना केस सबमिट करवाते हो, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो हर बंदे को समझ नहीं आ रहे होते, खुद से तो बंदे अप्लाई करते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ भी मौजूद हैं यूट्यूब पे जो जिसमें पूरा गाइड किया हुआ है कि किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके बावजूद भी रिफ्यूज़ल आ जाते हैं लोगों के। वो इसलिए आ जाते हैं, वो कुछ पॉइंट्स छोड़ देते हैं, कुछ पॉइंट्स जो है वो रह जाते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं होते, उनको पता नहीं होता है कि प्रॉपरली किस तरीके से 100% केस रेडी करके सबमिट करना होता है। जब आप केस प्रॉपरली सबमिट करोगे, अच्छे से रेडी करके सबमिट करोगे, तो आपके वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक बार आपको वीज़ा मिलता है, आप लीगली इंटर हो जाते हो उस कंट्री में, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, फिर आप जो है वो वहाँ पे सेट हो सकते हो, यूरोप में सेट हो सकते हो, किसी भी कंट्री में सेट हो सकते हो, लेकिन लीगली इंटर होना ज़रूरी है।
वीज़ा वैलिड होना चाहिए उस कंट्री में जब आप पहुंचते हो, वीज़ा आपका वैलिड होना चाहिए, तो उस सूरत में आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, ऑब्वियसली फ्री में कोई भी हेल्प नहीं करता है, पैसे लेता है, पैसे लेके आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे और सारे काम हो जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियोस को शेयर किया करें, जितना ज़्यादा आप वीडियोस को शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में लिख के पूछें, बहुत सारे सवाल आते हैं, थोड़ा डिले होता है मेरी तरफ से रिप्लाई देना क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिफरेंट चैनल्स पे पूछे जाते हैं, कोई व्हाट्सएप पे पूछ रहा होता है, कोई फेसबुक पे पूछ रहा होता है और कोई कमेंट्स में लिख के पूछ रहा होता है, कोई मेल्स के थ्रू पूछ रहा होता है, तो सबको रिप्लाई देने में टाइम ज़रूर लगता है, तो कुछ दोस्त जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, तो नाराज़ ना हुआ करें, आपका भी टाइम आएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। अगर आपका के क्वेश्चन जो है वो एक अच्छा क्वेश्चन है जो जिसका जवाब देना ज़रूरी है तो आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। अगर आप फजूल क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद मैं जवाब ना दूँ जिसका कोई तुक नहीं बनता क्वेश्चन पूछने का, ऐसे क्वेश्चन के मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन जो जीनियन क्वेश्चन होते हैं उनके मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। ठीक है, इसके साथ ही मैं अपनी ये वीडियो ख़त्म करूँगा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।